आज का हमारा टॉपिक है डिग्री ऑफ एडजेक्टिव यानी विशेषण की तुलना, इसे डिग्री ऑफ कंपैरिजन भी कहते हैं। जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं या स्थानों के समान गुणों की तुलना करनी हो और किसी एक के गुण किसी दूसरे की अपेक्षा अधिक या कम हो, तो ये बताने के लिए हम डिग्री ऑफ एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। ये तीन प्रकार की होती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। पहले हम बात करते हैं पॉजिटिव डिग्री की। तो पॉजिटिव डिग्री क्या होती है? पॉजिटिव डिग्री होती है एडजेक्टिव का मूल रूप यानी बेस फॉर्म। इसका प्रयोग हम तब करते हैं जब हम किसी से तुलना नहीं करते या फिर तुलना करते हैं तो समानता का भाव प्रकट होता है। एग्जाम्पल के माध्यम समझते हैं। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, मोहन इज ए टाल बॉय, मोहन एक लंबा लड़का है। यहाँ पे एडजेक्टिव कौन है? टाल, जो कि उसके मूल रूप बेस फॉर्म में प्रयोग हुआ है और यहाँ पे हम तुलना भी नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग किया। नेक्स्ट सेंटेंस है, ही इज ए ब्रेव बॉय, वह एक बहादुर लड़का है। यहाँ पर एडजेक्टिव क्या है? ब्रेव, जो कि अपने मूल रूप बेस फॉर्म में प्रयोग हुआ है और यहाँ हम तुलना भी नहीं कर रहे हैं, तो ये कौन सा है एडजेक्टिव की कौन सी डिग्री है? पॉजिटिव डिग्री। नेक्स्ट सेंटेंस है, ही इज एज ब्रेव एज ए लाइन, वह उतना बहादुर है जितना कि एक शेर। तो यहाँ तो हम तुलना भी कर रहे हैं लेकिन फिर भी हमने एडजेक्टिव के बेस फॉर्म का प्रयोग किया है। तो एडजेक्टिव के बेस फॉर्म का प्रयोग तुलना करते समय हम तब प्रयोग करते हैं जब समानता का भाव प्रकट होता है। यहाँ देखिए, उतना बहादुर जितना कि शेर, ना कम ना ज़्यादा, तो इसलिए हमने पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग किया। नेक्स्ट होता है कंपैरेटिव डिग्री। तो कंपैरेटिव डिग्री का तब प्रयोग किया जाता है जब दो व्यक्तियों, वस्तुओं या स्थानों के बीच समान गुणों की तुलना करनी हो और किसी एक के गुण दूसरे से अधिक या कम हो। एग्जाम्पल के माध्यम समझते हैं। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, मोहन इज टालर देन सुरेश, मोहन सुरेश से लंबा है। तो यहाँ पे दोनों के समान गुण क्या है? लंबाई। तो यहाँ कंपैरेटिव डिग्री में हमने इसको टालर लिखा है। पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के कुछ नियम होते हैं जो कि हम वीडियो में आगे देखेंगे। यहाँ देखिए, हमने दोनों के कौन से गुण हैं, समान गुण हैं? लंबाई, मतलब मोहन भी लंबा है और सुरेश भी लंबा है, दोनों लंबे हैं, लेकिन मोहन इज टालर देन सुरेश, मोहन सुरेश से लंबा है, इसलिए हमने यहाँ पे एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग किया है। एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री के साथ समानता देन का प्रयोग करते हैं लेकिन कुछ शब्दों के साथ टू का भी प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस है, सीमा इज मोर ब्यूटिफुल देन राधा, सीमा राधा से अधिक सुंदर है। तो यहाँ पे दोनों का गुण क्या है? ब्यूटिफुल यानी सुंदरता, लेकिन एक का गुण दूसरे से अधिक है, सीमा अधिक सुंदर है राधा से, इसलिए हमने एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग किया और उसके साथ हमने देन का प्रयोग किया। नेक्स्ट सेंटेंस है, यू आर सीनियर टू मी, तुम मुझसे वरिष्ठ हो। तो यहाँ पे दो व्यक्तियों के बीच तुलना करी है लेकिन एक का गुण दूसरे से अधिक है और कुछ शब्द होते हैं जैसे सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, प्रेफर, इनके साथ हम काय का प्रयोग करते हैं? टू का। पिछले दोनों सेंटेंस में हमने देन का प्रयोग किया लेकिन सीनियर के साथ हमने टू का प्रयोग किया। नेक्स्ट है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग हम कब करते हैं? जब तीन या तीन से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं या स्थानों के समान गुणों की आपस में तुलना करनी हो और किसी एक के गुण अन्य से अधिक या कम बताना हो, तो इस कंडीशन में हम सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम समझते हैं। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, ही इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, वह क्लास में सबसे अच्छा लड़का है। तो यहाँ हम एक लड़के के गुणों की तुलना क्लास के अन्य लड़कों से कर रहे हैं और उसे हम सबसे बेहतर बता रहे हैं, तो इस कंडीशन में हमने सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया। यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री कौन है? बेस्ट। गुड हमारी पॉजिटिव डिग्री होती है, बेटर कंपैरेटिव और बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री। तो यहाँ पे बेस्ट हमारी सुपरलेटिव डिग्री हो गई और सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम दा का प्रयोग करते हैं, तो हमने यहाँ पे दा का प्रयोग किया। नेक्स्ट सेंटेंस है, सी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन दिस ऑफिस, वह इस ऑफिस में सबसे होशियार लड़की है। तो यहाँ हम एक लड़की के गुणों की तुलना ऑफिस के अन्य सदस्यों से कर रहे हैं और उसे हम सबसे होशियार बता रहे हैं, मतलब उसका गुण हम सबसे अधिक बता रहे हैं, तो इस कंडीशन में हमने सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया।
यदि कोई एडजेक्टिव एक से अधिक सिलेबल है तो उसको कंपेरेटिव बनाते समय हम मोर का प्रयोग करते हैं और सुपरलेटिव बनाते समय हम मोस्ट का प्रयोग करते हैं। तो इसलिए हमने इंटेलिजेंट से पहले मोस्ट का प्रयोग किया है और सुपरलेटिव डिग्री बनाते समय हम दा का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ हमने दा का भी प्रयोग किया है। पॉजिटिव डिग्री से कंपेरेटिव और सुपरलेटिव बनाने के कुछ नियम होते हैं, तो चलिए उन्हें देख लेते हैं। फर्स्ट नियम क्या है हमारा, यदि हमारा एडजेक्टिव वन सिलेबल है, वन सिलेबल क्या होता है, जिसे एक बार में बोला जा सके, तो वो वर्ड हमारा होता है वन सिलेबल, जैसे बोल्ड, स्वीट, टाल, इस प्रकार के जिन्हें हम एक एक बार में बोल सकें। तो यदि हमारा वन सिलेबल वर्ड है तो पॉजिटिव डिग्री तो हमारा बेस फॉर्म होती है यानी मूल रूप होती है, लेकिन यदि हम उसे कंपेरेटिव में बनाएंगे तो उसके साथ हम ER जोड़ देते हैं। तो यहाँ जैसे बोल्ड है तो उसमें हमने ER जोड़ दिया तो बोल्डर हो गया, और यदि सुपरलेटिव बनाते हैं तो EST जोड़ देते हैं तो बोल्डेस्ट हो गया, यहाँ EST जोड़ दिया। स्वीट है, बेस फॉर्म में हमारा पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव बनाएंगे तो उसमें ER जोड़ देंगे, स्वीटर हो जाएगा, और सुपरलेटिव में हम क्या करेंगे, EST जोड़ देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, स्वीटेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री हो गई। नेक्स्ट रूल है हमारा, यदि वन सिलेबल वर्ड है हमारा, एडजेक्टिव वन सिलेबल है लेकिन अंत में उसके क्या है, ई है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ कंपेरेटिव डिग्री बनाते समय उसमें आर जोड़ देंगे और सुपरलेटिव डिग्री बनाते समय हम उसमें ST जोड़ देंगे। यहाँ पहले से ई है, ब्रेव, ई है अंत में, तो हमने क्या किया, सिर्फ आर जोड़ दिया तो ब्रेवर, और सुपरलेटिव बनाते समय हमने उसमें क्या जोड़ दिया, ST जोड़ दिया तो ब्रेवेस्ट हो गया। वाइज है, अंत में ई है तो आर जोड़ दिया, वाइजर, और यहाँ पे सुपरलेटिव बनाते समय हमने उसमें क्या कर दिया, ST जोड़ दिया, वाइजेस्ट। नेक्स्ट रूल है, यदि हमारे पॉजिटिव डिग्री के शब्द में अंत में वाई है और वाई के पहले AEIOU के अलावा अन्य कोई अक्षर है, तो हम क्या करेंगे, वाई की जगह आई करके कंपेरेटिव बनाते समय उसमें ER लगा देंगे और सुपरलेटिव बनाते समय वाई की जगह आई करके EST लगा देंगे। जैसे यहाँ देखिए, अर्ली, अर्ली में अंत में वाई है और वाई से पहले AEIOU को छोड़कर अन्य कोई लेटर है यानी कॉन्सनेंट लेटर है, तब हम क्या करेंगे, कंपेरेटिव बनाते समय वाई की जगह आई करके और फिर ER लगा देंगे। तो यहाँ पर हमने क्या किया, वाई की जगह आई करके ER लगा दिया कंपेरेटिव बनाते समय, तो ये क्या हो गया, अर्ली का क्या हो गया, अर्लियर, और यहाँ पे हमने क्या किया, सुपरलेटिव में वाई की जगह आई करके EST लगा दिया, तो ये हो गया अर्लीएस्ट। नेक्स्ट है हैप्पी, हैप्पी में भी हमारा वाई से पहले पी है, कॉन्सनेंट साउंड है AEIOU को छोड़कर, तो यहाँ हमने इसमें क्या किया, कंपेरेटिव में हमने वाई की जगह आई करके ER लगा दिया तो हैप्पियर हो गया, और सुपरलेटिव में वाई की जगह आई करके EST लगा दिया तो हैप्पीएस्ट। नेक्स्ट है, यदि हमारा एडजेक्टिव वन सिलेबल है और अंत में कोई कॉन्सनेंट है, कॉन्सनेंट क्या होता है, AEIOU को छोड़कर अन्य कोई लेटर कॉन्सनेंट होता है, और उसके पहले वोवल है, तो कॉन्सनेंट को हम डबल कर देते हैं। यहाँ देखिए, बिग, बिग में अंत में कॉन्सनेंट है और उससे पहले हमारा आई है, मतलब वोवल है, तो हम क्या करेंगे, लास्ट कॉन्सनेंट को डबल कर देते हैं, तो यहाँ कर दिया BIGG, और कंपेरेटिव में ER जोड़ देते हैं और सुपरलेटिव में EST जोड़ देते हैं। यहाँ देखिए, BIGGR बिगर और BIGGEST बिगेस्ट, ऐसे ही फैट है, अंत में कॉन्सोनेंट और उससे पहले एक वोवल है, तो हमने लास्ट लेटर को डबल कर दिया और कंपेरेटिव में ER जोड़ दिया और सुपरलेटिव में EST जोड़ दिया। नेक्स्ट, यदि हमारा एडजेक्टिव वन सिलेबल है और जो पहले वाला रूल था कि अंत में कॉन्सोनेंट और उससे पहले वोवल था, तो हम क्या कर रहे थे, वहाँ पे लेटर को डबल करके कंपेरेटिव में ER जोड़ रहे थे और सुपरलेटिव में EST, लेकिन यदि वो कंडीशन में WRY यानी हमारे लास्ट में कॉन्सोनेंट क्या हो, WRY हो, तब हम उस रूल को फॉलो नहीं करेंगे। यहाँ पे हम सिर्फ क्या करेंगे, हमारा जो भी एडजेक्टिव है कंपेरेटिव बनाते समय उसमें ER जोड़ेंगे और सुपरलेटिव बनाते समय उसमें EST जोड़ेंगे। जैसे यहाँ क्लेवर, अंत में कॉन्सनेंट है और इससे पहले वोवल है, वहाँ पे हम क्या कर रहे थे, लास्ट लेटर को डबल करके कंपेरेटिव में ER जोड़ रहे थे और सुपरलेटिव में EST। लेकिन यदि ऐसी कंडीशन है कि अंत में क्या हो, हमारा WRY हो, तब हमको डबल नहीं करना, तब हमको क्या, सिंपल फार्मूला वही है कि कंपेरेटिव में ER और सुपरलेटिव में EST जोड़ देंगे।
जैसे यहाँ पे लो में भी, लो में अंत में क्या है, डब्ल्यू है और उससे पहले ओ आया, लेकिन यहाँ हम डबल नहीं कर रहे, यहाँ पे हमको सिर्फ कंपेरेटिव में ई आर लगाना है और सुपरलेटिव में ई एस टी। नेक्स्ट रूल है, यदि हमारा एडजेक्टिव वन सिलेबल है और अंत में कोई कॉन्सोनेंट हो और उससे पहले दो वावल हो, यदि अंत में कॉन्सोनेंट और उससे पहले दो वावल हो तो कॉन्सोनेंट को डबल नहीं करते। तो यहाँ देखिए, अंत में कॉन्सोनेंट है और उससे पहले दो वावल है, ए ई आई ओ यू हमारे वावल होते हैं, यहाँ पे दो हैं, तो ऐसी कंडीशन में हमको क्या करना है, कंपेरेटिव में ई आर लगाना है और सुपरलेटिव में ई एस टी लगाना है। तो यहाँ कंपेरेटिव क्या हो जाएगा, चीप का चीपर, और सुपरलेटिव क्या होगा, चीपेस्ट। ऐसे डीप है, दो वावल आ गए कॉन्सोनेंट से पहले, तो ये क्या हो जाएगा, कंपेरेटिव डीपर, और सुपरलेटिव क्या हो जाएगा, डीपेस्ट। नेक्स्ट रूल है, यदि हमारा एडजेक्टिव एक से अधिक सिलेबल है, मतलब जिसे हम एक बार में ना बोल सके, जैसे ब्यूटीफुल, तो यहां हमें रुकना पड़ रहा ब्यूटीफुल, डिफिकल्ट, तो ये क्या वन सिलेबल ना होकर टू सिलेबल वर्ड है। तो जब हमारा एडजेक्टिव एक से अधिक सिलेबल है तो हम कंपेरेटिव बनाते समय मोर का प्रयोग करते हैं और सुपरलेटिव बनाते समय उस वर्ड से पहले हम मोस्ट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ जैसे ब्यूटीफुल है तो ब्यूटीफुल का कंपेरेटिव मोर ब्यूटीफुल और सुपरलेटिव मोस्ट ब्यूटीफुल। और इसी प्रकार डिफिकल्ट हमारा है पॉजिटिव डिग्री में, इसका कंपेरेटिव क्या हो जाएगा, मोर डिफिकल्ट, और सुपरलेटिव क्या हो जाएगा, मोस्ट डिफिकल्ट। नेक्स्ट रूल है, कुछ एडजेक्टिव में उपरोक्त में से कोई नियम लागू नहीं होता, इनके तीनों फॉर्म पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं, जैसे गुड, गुड का बेटर, कंपेरेटिव और सुपरलेटिव बेस्ट, इनका कोई आपस में कनेक्शन नहीं है, ये तीनों फॉर्म अपने आप में स्वतंत्र हैं। बैड, बैड का कंपेरेटिव वर्स और सुपरलेटिव वर्स्ट। मच हमारा पॉजिटिव है, इसका कंपेरेटिव मोर और सुपरलेटिव मोस्ट। लिटिल पॉजिटिव है, इसका कंपेरेटिव लेस और सुपरलेटिव लीस्ट। फार हमारा पॉजिटिव है और इसका कंपेरेटिव फर्दर और सुपरलेटिव फर्देस्ट। तो इस प्रकार कुछ शब्द होते हैं जो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, वो कोई रूल को फॉलो नहीं करते। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।